जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब आपके नवंबर में वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी आ जाएगी। 90,000 तक वैकेंसी आ रही है। जो बंदा अब तैयारी करेगा वही सिलेक्शन का हकदार रहेगा, क्योंकि अगर आपके जब वैकेंसी आई है आप तैयारी कर सकते हो, ये नहीं कहता कर सकते हो, पेपर भी निकल सकता है, कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट में आप बाहर हो सकते हो। रनिंग के बाद, मेडिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ होगा सिलेक्शन का, उसमें आप बाहर हो सकते हो। इसीलिए आपको अब तैयारी में जुट जाना है, कहीं भी हो जुट जाना है बस, क्योंकि आपके लिए लेके आ चुका है अग्निवीर फ्री अकेडमी यूट्यूब चैनल, जो हमारा चैनल है। आपको रनिंग के लिए यानी कि डाइट के लिए पूरी जानकारी, ए टू जेड जानकारी आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब अभी। हाँ सर जी, संविधान में एकदम बीत जा रहे थे, लेकिन अब आपको अपने ही लेवल पे रखा जाएगा। जितना आपका लेवल है उतने ही लेवल पे पूरी क्लास चलेगी, एकदम तगड़ी चलेगी। कम से कम जितने भी बन ले हो, कम से कम यार वीडियो शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, किस राज्य से हो, किस डिस्ट्रिक्ट के हो। ठीक है प्यारे सर, सर अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अग्निवीर फ्री अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में प्यारे साथियों, हमने आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया था। आज की क्लास में प्यारे साथियों, हम आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बताएंगे। जिस प्रकार से भारत सरकार ने हम सभी को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, वैसे ही हमारे इस देश के प्रति जो है कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, जिनको हम सभी भारतीयों को उन कर्तव्यों को अपने देश के प्रति क्या करना है, निभाना है। इसलिए हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में, तो प्यारे साथियों मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो कितने थे, तो आपके मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्यों, जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये राज्य के द्वारा सभी नागरिकों को निर्देशित किए गए हैं, और सभी नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इन कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन जो है वो देश के प्रति अवश्य करें। तो आइए देखते हैं प्यारे साथियों कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं कहाँ से लिए गए हैं। उसके पहले हम आपको प्यारे साथियों बता दें कि यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आप तक जो है हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचता रहे। और अब हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य को प्यारे साथियों फंडामेंटल ड्यूटी कहा जाता है। प्यारे साथियों, मौलिक कर्तव्य का भारतीय संविधान में किस भाग में जिक्र है, किस भाग में जिक्र है, तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि भाग 4 का में क्या है, आपको प्यारे साथियों बताना है मौलिक कर्तव्य है, क्या है, मौलिक कर्तव्य है भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य प्यारे साथियों अनुच्छेद 51 का में है। किस अनुच्छेद में, तो प्यारे साथियों आपको बताना है अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। प्यारे साथियों किस भाग में है, तो भाग 4 का, इसको अवश्य याद कर लीजिएगा। भाग पूछा जाएगा, अनुच्छेद पूछा जाएगा, उसके बाद जो अगला इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से, किस देश से हमारे संविधान में आया, तो मौलिक कर्तव्य प्यारे साथियों जब हमारा संविधान बन रहा था तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, तो प्यारे साथियों आपको बताना है रूस के संविधान से लिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, और पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से ली गई है, तो हमने आपको बताया था जब संविधान का स्रोत जब आपको बता रहे थे प्यारे साथियों, तो हमने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं जो है किस देश से ली गई हैं, तो आपको बताना है रूस से लिया गया है। उसके बाद क्या जो भारतीय संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे, तो आपको बताना है प्यारे साथियों उस समय मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में भारतीय संविधान जो बना था उस समय प्यारे साथियों जो है हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। तो उसके बाद देखते हैं प्यारे साथियों वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो
मौलिक कर्तव्य जो है कितने हैं प्यारे साथियों वर्तमान समय में? अब आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान समय में कितनी हो गई है? तो आपको बताना है 11 हैं। कितने हैं? तो 11 हैं मौलिक कर्तव्य। उसके बाद पहले कितने थे, पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे? मौलिक कर्तव्य थे तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे तो आपको बताना है प्यारे साथियों 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद प्यारे साथियों आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं प्यारे साथियों, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया तो आपको बताना है प्यारे साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसे भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की समिति भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो आपको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको नोट कर लीजिएगा। भाग और अनुच्छेद जिसको हमने पहले आपको बता दिया है इनको भी याद कर लेना है, किस देश से लिया गया है आपको देश जरूर याद करना है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है तो आपको किस अनुच्छेद में है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है तो प्यारे साथियों आपको बताना है 51 का। कौन से अनुच्छेद में प्यारे साथियों? तो 51 का में है। आगे देखते हैं प्यारे साथियों 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया था, 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है प्यारे साथियों? तो प्यारे साथियों प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है विद्यालय में शिक्षा के लिए अवश्य भेजें। तो आपका 11वां कर्तव्य क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बाल्य को विद्यालय अवश्य भेजें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि जो मौलिक कर्तव्य है वह किस कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो प्यारे साथियों आपको बताना है स्वर्ण सिंह समिति। क्या बताना है प्यारे साथियों? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य आप 11 हैं और आप मौलिक कर्तव्य को एक बार जो है सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, क्योंकि हम मौलिक कर्तव्य को आपको अगर एक एक बताने लगेंगे तो आपकी क्लास लंबी खिंच जाएगी। इसलिए यह आपका भी कर्तव्य बनता है कि मौलिक कर्तव्य को आज अवश्य पढ़ लीजिएगा। आपसे 11वां अवश्य पूछ लेगा क्योंकि ये जो है नया जोड़ा गया है, तो इसलिए इसको आपको पढ़ना जरूरी है। पहले कितने थे अब कितने हो गए हैं इसको भी ध्यान में आपको अवश्य रखना है, ठीक है प्यारे साथियों। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इतना ही आपसे मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, ठीक है प्यारे साथियों। आगे चलते हैं, अगर आप सभी नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें प्यारे साथियों। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं
नीति निदेशक तत्व क्या देखेंगे प्यारे साथियों, नीति निदेशक तत्व, इसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहेंगे तो नीति निदेशक तत्व ये लोगों के कल्याण के लिए जो है राज्य सरकार इनको लागू करवाती है, किंतु इनको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। ये लोगों के कल्याण के लिए जो राज्य सरकारें होती हैं या जो सरकार होती है वो लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाती हैं उसको हमेशा चालू करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके इसको प्रवर्तित करवाने के लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं प्यारे साथियों। तो आइए देखते हैं नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आपको बताना है भाग चार। कहाँ? भाग चार में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो आपको बताना है प्यारे साथियों 36 से, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है क्या है? तो आपका नीति निदेशक तत्व है। उसके बाद नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे साथियों आपको बताना है नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखते हैं कि क्या इसे न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। तो राज्य सरकारों के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता है इसको न्यायालय से लागू करवाने के लिए। तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। हाँ, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या नीति निदेशक तत्व का जो है भारतीय संविधान में वर्णन था? तो आपको बताना है कि हाँ, जब भारतीय संविधान बना था तो नीति निदेशक तत्वों का वर्णन था। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, इसमें और क्या आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो इसमें कुछ हम आपको अनुच्छेद बताएंगे जो जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, स्थापना करना जो है राज्य सरकारों का क्या है? दायित्व है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका दायित्व है? तो राज्य सरकारों की का दायित्व है कि लोगों के कल्याण के लिए ऐसी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें ताकि सारे राज्य के सभी नागरिकों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। ऐसे विकास का लक्ष्य राज्य सरकारें निर्धारित करें जिससे लोगों का विकास क्या हो, सुनिश्चित हो सके। तो कौन से अनुच्छेद में है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना प्यारे साथियों आपको बताना है अनुच्छेद 38 में है। उसके बाद प्यारे साथियों अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्यारे साथियों पूछ लिया गया है, इसलिए कुछ अनुच्छेद हम आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते चल रहे हैं, क्योंकि आपको डीपली नहीं बताने जा रहे हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 40 में है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक जो है एक समान क्या हो, नागरिक संहिता हो, सारे राज्यों में एक जैसे नागरिक संहिताएं हो। तो किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है एकमात्र राज्य गोवा है, गोवा है जहां पर क्या है समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता लागू है। भारत का एकमात्र
ऐसे भी आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत के किस राज्य में या एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। तो प्यारे साथियों आपको अवश्य बता देना है कि गोवा राज्य है। कौन सा? तो गोवा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आपको बताना है प्यारे साथियों अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों है कि अनुच्छेद 48 में क्या है। तो अनुच्छेद 48 में प्यारे साथियों आपका है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन किसमें है? तो कृषि एवं पशुपालन पशुपालन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 में है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था प्राचीन समय में आप कृषि पर आधारित थी। प्राचीन समय में आपसे ऐतिहासिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तो आपको प्यारे साथियों बताना है कि प्राचीन भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर निर्भर थी। आज भी सबसे अधिक जो लोग किन सेक्टर में काम करते हैं, किस क्षेत्र में काम करते हैं, तो सबसे अधिक जो है कृषि क्षेत्र में आज भी लोग जो है काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A में है पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा और राज्य सरकार का भी यह कर्तव्य होगा कि लोगों को स्वच्छ वायु स्वच्छ वातावरण प्रदान करें। इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधों जीव जंतुओं का संरक्षण किया जा सके ताकि हमारा जो है पर्यावरण संरक्षित रहे और संवर्धित रहे। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी हमने आपको आर्टिकल बताए हैं ये सारे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनको अवश्य याद कर लीजिएगा क्योंकि सारे अनुच्छेद तो आपको याद नहीं करवाया जा रहा है। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या है प्यारे साथियों? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या किया गया है? अलग किया गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है क्योंकि न्याय की कड़ी ही अलग है। न्यायपालिका के अंडर में कार्यपालिका काम करती है, तो इसलिए हमारा जो न्यायपालिका है वह जब न्याय करने लगे तो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो कार्यपालिका के द्वारा। इसलिए राज्य सरकारें क्या करें, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दें ताकि अधिक से अधिक जो है अच्छा न्याय हो सके। उसके बाद अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्यारे साथियों। तो अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अनुच्छेद 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करना, में अभिवृद्धि करना। हमारे देश में भी प्यारे साथियों शांति व्यवस्था रहे और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी शांति व्यवस्था रहे या विश्व के सभी देशों में शांति व्यवस्था रहे, इसके लिए भारत सरकार लगातार क्या करती है, प्रयत्न करती रहती है कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था कायम रहे। अब हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, तो भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं प्यारे साथियों यहीं पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय पशु, तो बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प प्यारे साथियों क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। क्या है? कमल है।
राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु प्यारे साथियों क्या है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु, विरासत पशु तो क्या है प्यारे साथियों? तो हाथी है। राष्ट्रीय पेय प्यारे साथियों, राष्ट्रीय पेय क्या है? तो राष्ट्रीय पेय आपका चाय है। राष्ट्रीय पेय क्या है? तो चाय है। राष्ट्रीय मिठाई मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर आगे देखते हैं प्यारे साथियों। यहां पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है प्यारे साथियों, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ परियोजना भी आपसे पूछ लेता है, तो बाघ परियोजना, बाघ परियोजना जो है, बाघ परियोजना जो है प्यारे साथियों 1973 में चली थी, 1973 में। और राष्ट्रीय जो पुष्प है, पुष्प क्या है? तो कमल है। इसको निलंबो न्यूसीफेरा, कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम भी प्यारे साथियों पूछ लेता है, तो आपको निलंबो, निलंबो न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा कहा जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पेय क्या है प्यारे साथियों? तो आपको चाय है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कब इसको अपनाया गया था? तो 22 मार्च, 22 मार्च 1957 को, 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज है। तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है प्यारे साथियों? आपको बताना है तिरंगा। तिरंगे में प्यारे साथियों कितने रंग होते हैं? तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तो तिरंगे में प्यारे साथियों, तिरंगे से संबंधित एक तथ्य है कि तिरंगा में 3 रंग होते हैं। तिरंगे में 3 रंग होते हैं। ऊपर होता है केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग होता है। प्यारे साथियों ध्वज की लंबाई चौड़ाई पूछ लेता है, तो ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात ये वाला 3 होता है और ये वाला 2 होता है, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज
कि डिजाइनिंग किसने किया था, तो प्यारे साथियों आपको बताना है राष्ट्रध्वज की डिजाइनिंग पिंगली वेंकैया ने किया था। राष्ट्रध्वज की डिजाइनिंग किसने किया था, तो प्यारे साथियों आपको बताना है पिंगली वेंकैया। राष्ट्रध्वज की डिजाइनिंग किसने किया था, तो आपको बताना है पिंगले वेंकैया। ठीक है प्यारे साथियों, केसरिया जो है किसका प्रतीक है, तो केसरिया जो है त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, त्याग एवं बलिदान। सफेद जो रंग है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है। सफेद रंग प्यारे साथियों किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। हरा रंग जो है धरती की समृद्धि एवं संपन्नता का प्रतीक है। संपन्नता का प्रतीक है। इसी बीच में जो है चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो चक्र में तीलियों की संख्या प्यारे साथियों कितनी होती है, तीलियों की संख्या जो होती है 24 होती है, जो 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करती है कि 24 घंटा ये चक्र चलता रहेगा और हमारा देश जो है विकास के मार्ग पर अग्रसर रहेगा। प्यारे साथियों यह चक्र कहाँ से लिया गया है, तो चक्र कहाँ से लिया गया है एग्जाम में पूछा जाता है, तो चक्र जो है चक्र अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, स्तंभ से लिया गया है। प्यारे साथियों तो हमने आपको ये सारी चीजें आपको तिरंगे के बारे में बताई। आगे चलते हैं राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के बारे में देख लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रगान प्यारे साथियों राष्ट्रगान राष्ट्रगान तो राष्ट्रगान क्या है, जनगणमन। ठीक है प्यारे साथियों, किसने लिखा, तो लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक प्यारे साथियों, गायन का समय, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है, तो गायन का जो समय है प्यारे साथियों 52 सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड में। आपातकालीन परिस्थितियों में कितने सेकंड में गाया जाता है, आपातकालीन परिस्थितियों में, तो इसे 20 सेकंड में, 20 सेकंड में। पहली बार कब गाया गया था, तो पहली बार 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। प्यारे साथियों पॉइंट को नोट करते चलिएगा, रिवाइज करते अवश्य रहिएगा, ताकि आपको आपका एक भी क्वेश्चन जो है
छूटने न पाए एग्जाम में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड हैं, कोई भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लेता है। तो इसलिए हमने आपको सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास मेरे द्वारा लगातार जारी है। इसके अध्यक्ष भी पूछ लेता है पहली बार किसने गाया था, इसका शीर्षक भी पूछ लेता है, तो हम एक एक करके सारा आपको बताते चल रहे हैं। क्योंकि राशि प्रतीक हम शुरू नहीं करना चाहते थे, तो हम अब शुरू कर दिए हैं, तो थोड़ा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए साथियों, बड़ी होने दो। आगे देखते हैं कि 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बिशन नारायण धर थे। बिशन नारायण धर थे। पहली बार किसने गाया था, तो सरला चौधरानी। शीर्षक क्या था, तो शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। किस भाषा में लिखा गया था, तो किस भाषा में लिखा गया था प्यारे साथियों, तो आपको बताना है, यह जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया था। भाषा तो बांग्ला, मूलतः जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी में, अंग्रेजी इसका क्या होता है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। आगे प्यारे साथियों, संविधान सभा ने ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को। आगे प्यारे साथियों, ये तो हमने आपको तिरंगे के बारे में बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। राष्ट्रीय जलीय जीव जलीय जीव तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है प्यारे साथियों, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और 5 अक्टूबर दो हजार नौ को इसे जलीय जीव घोषित किया गया प्यारे साथियों। 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो डॉल्फिन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्लासेस राष्ट्रगीत तो वंदे मातरम किसने लिखा प्यारे साथियों, तो वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी। किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में था। और पहली बार कब गाया गया था, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में
अध्यक्ष कौन थे अधिवेशन में? अधिवेशन में तो कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। गायन समय तो यह 65 सेकंड। प्यारे साथियों, 22 जुलाई को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो प्यारे साथियों, यह आपका 24 जनवरी 1950 को। भारत का भौगोलिक संकेतक क्या है? भारत का भौगोलिक संकेतक क्या है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है मिट्टी का घड़ा। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र गान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था। उसके बाद भारत का भौगोलिक संकेतक क्या है? एग्जाम में पूछ लेता है। संकेतक तो आपको बताना है मिट्टी का घड़ा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे। थैंक यू।